नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों अभी आपने सुना कि न्यू गुड़गांव के अंदर एक हाई राइज अपार्टमेंट आ रहा है और वो अपार्टमेंट आ रहा है सेक्टर 83 के अंदर। बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, इस वजह से ये प्रोजेक्ट हम काफ़ी अच्छा इसको मान सकते हैं, क्योंकि आपको एक अच्छी लोकेशन मिलती है और आपको एक अच्छा प्राइस मिलता है। जो न्यू गुड़गांव के अंदर आज के टाइम पे इस इतने रेट के अंदर आपको 3 BHK का फ्लैट, वो भी मैवन कंस्ट्रक्शन के अंदर नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों ज़्यादातर जो अपार्टमेंट्स हैं पुराने हैं वो आपको ज़्यादा रेट में मिलेंगे और पुरानी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, पुरानी डेवलपमेंट के हिसाब से मिलेंगे। मैंने एक वीडियो बनाई थी जो इससे पहले वाली है, मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी उस वीडियो के अंदर हमने प्रॉपर लोकेशन को समझा था बाई मास्टर प्लान और आसपास के रेट और कनेक्टिविटी के बारे में जानना था। अगर आप इसकी लोकेशन से अवेयर नहीं है तो आप वो वीडियो जरूर देखें, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि लोकेशन सबसे पहले देखना उसके बाद ही प्रोजेक्ट को समझना। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर इस टाउनशिप के लेआउट और प्रोजेक्ट किस हिसाब से है, इसके पेमेंट प्लान कैसे कैसे आपका अमाउंट जाएगा, अभी किस टाइप का इसके अंदर लेआउट है, दो साइज आते हैं 1450 और 1850 के 3 BHK के, वो लेआउट को समझेंगे, आपका पेमेंट प्लान को समझेंगे, अभी कैसे प्रोसीड करना है आपको, वो सारी चीजें समझेंगे आगे वीडियो के अंदर और जानेंगे साथ के साथ आसपास की चीजों के बारे में भी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे आपको इसके लेआउट मिलेंगे और बहुत सारी अपडेट जो आगे आने वाली है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर जरूर मिलेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को और समझाते हैं आपको इस प्रोजेक्ट की डिटेल। तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है, ये आ रहा है गुड़गांव के अंदर सेक्टर 83, जिसको हम न्यू गुरुग्राम भी बोलते हैं। और ये जो 83 का सेक्टर है, जो एरिया है इस प्रोजेक्ट का, ये बहुत ही प्रीमियम एरिया है। इसके बगल के अंदर अगर हम बात करें MR का पाम गार्डन अपार्टमेंट है, जो रेडी टू मूव है, ज़्यादा हाइट नहीं है उस अपार्टमेंट की, फैमिलियाँ शिफ्ट हैं, बगल में NH8 है और बगल में द्वारका एक्सप्रेसवे है। और इसके दूसरी साइड लगता है वाटिका, जो हम न्यू गुड़गांव के अंदर जो वाटिका देखते हैं, इंडिया नेक्स्ट जिसको हम बोलते हैं, वो इस प्रोजेक्ट के साथ। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इसके लेआउट की। तो दोस्तों कनेक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ये राजीव चौक हो गया, ये नेशनल हाईवे NH8 है जो दिल्ली जयपुर को कनेक्ट करता है। ये यहाँ पे क्लोवर लीफ फ्लाईओवर बन रहा है जो कनेक्ट करता है SPR रोड को। उसके बाद ये मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर जो मानेसर के अंदर जाता है, ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे है। और इसी यहाँ पे टोल है जो महाराज से आगे है, इसको हटना है, हो सकता है मार्च के अंदर भी हट जाइए। यहाँ से ऐसे चलेंगे तो राइट साइड में एक रास्ता जाता है, यहाँ पे पाम गार्डन आता है MR का, उसके बाद यहाँ पे ये प्रोजेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये कनेक्टिविटी है, काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। और जो ये पैच आप जो देख रहे हैं, मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, यहाँ पे ISBT आएगा, ISBT और मेट्रो का डिपो बनेगा यहाँ पे। तो ये लोकेशन काफ़ी अच्छी है। इधर जो अपार्टमेंट लगते हैं सारे वाटिका के लगते हैं, इधर आपका MR का आ गया, और इधर फिर ये कमर्शियल बेल्ट है द्वारका एक्सप्रेस के साथ साथ 300 मीटर की, फिर ये NH8 के साथ साथ 300 मीटर की कमर्शियल बेल्ट है, इसलिए यहाँ से टोल ये हट जाएगा। तो आप एक कमर्शियल एक्टिविटीज़ के साथ साथ भी हैं, और यहाँ से कनेक्टिविटी एक है जो द्वारका एक्सप्रेस वे और 60 मीटर रोड को कनेक्ट करती है आपको द्वारका एक्सप्रेस वे और सेक्टर के साथ। अदरवाइज आप यहाँ से NH8 के द्वारा भी आप जा सकते हैं अगर इधर उधर आपको जाना है। अगर इसका डिस्टेंस देखें तो राजीव चौक से 9.5 किलोमीटर है, हीरो होंडा चौक से आपका 6.8 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो दोस्तों ये जो अब प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर एक टावर के अंदर 4 यूनिट होंगी, एक फ्लोर के अंदर 1, 2, 3 और ये 4। इसके अंदर 3 लिफ्ट होंगी, ये पैसेंजर लिफ्ट, एक ये होगी, एक ये होगी और ये आपकी एक लिफ्ट ये होगी, इनमें से एक सर्विसेज लिफ्ट है। 2 स्टेयर्स होंगी, एक स्टेयर्स ये होगी और दूसरी स्टेयर्स ये होगी, तो दोनों साइड स्टेयर्स होंगी, बीच में 3 लिफ्ट होंगी, उसके बाद अपार्टमेंट्स होंगे उसके, जैसे कि इसकी एंट्री यहाँ से होगी और इसकी एंट्री यहाँ से होगी, तो आमने सामने एंट्री रहेंगी, सेम इस साइड रहेगी और सेम इस साइड रहेगी आपकी। तो ये 4 अपार्टमेंट मिलेंगे आपको एक फ्लोर के ऊपर। और ये जो अपार्टमेंट का लेआउट है, ये है आपका 1450 वाले का 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट, जिसके अंदर 1450 स्क्वायर फीट का साइज आता है, चीजें आपको मिलेंगी जो इन्होंने दे रखा है। 3 लिफ्ट है प्लस लॉबी एरिया मिलेगा आपको।
आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से इसके अंदर चीजें हैं। ये आपके साइजेज हो गए फ्लैटों के, तो एक टावर के अंदर आपको मतलब 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट का अलग से एक टावर मिलेगा, तो मिक्स नहीं है कि आपको 1850 वाला भी इसके अंदर मिक्स मिल जाए। ये आपका 1450 वाले का ये आपका लेआउट पड़ता है, जिसके अंदर अगर मास्टर बेडरूम की हम बात करें, ये है 13x11.5 का आपका मास्टर बेडरूम रहेगा। इसके साथ आपकी ये बैल्कनी रहेगी, और ये आपकी जो टीवी वॉल है इस साइड हो गया, ये बेड आपका बेड का साइज हो गया। इधर आपका अटैच हो गया वॉशरूम जो है मोटा मोटा 9x5 का। उसके बाद किड्स जो बेडरूम है वो रहेगा 12x10 का। इसके साथ अटैच बाथरूम नहीं है, एक के कॉमन वॉशरूम आपको मिलेगा 7x6 का। उसके बाद बेडरूम नंबर 1 आ जाता है, ये आता है 10x10.4 का। उसके बाद यहाँ पे बैल्कनी होगी कॉमन, ये आपका लिविंग एरिया हो गया इधर, और ये डाइनिंग एरिया हो गया, और उसके बाद ये आपका किचन होगी इधर 7.7x8.1 की। इसके साथ बैल्कनी के साथ आपका किचन के साथ सॉरी आपकी एक बैल्कनी आती है ये वाली, उसके बाद आपकी ये मेन इंट्रेंस होगी। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर, टोटल बैल्कनी है एक, ये हो गई दूसरी और तीसरी, तो टोटल 3 इसमें बैल्कनियाँ आती हैं। तो ये लेआउट है आपका 1450 स्क्वायर फीट का। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं 3 BHK 1850 स्क्वायर फीट की, जिसके अंदर 3 BHK 3 टॉयलेट प्लस स्टडी रूम आपको मिलता है। इसके अगर हम टावर की बात करें तो इसमें आपको 4 लिफ्ट मिलेंगी, एक लिफ्ट ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है और चौथी ये है। इसमें भी आपके 2 स्टेयर्स रहेंगी, एक ये होगी और एक ये होगी। तो इसमें 2 स्टेयर्स होगी, 4 लिफ्ट होगी, 1, 2, 3 और चौथी ये सर्विसेज लिफ्ट होगी। इसके अंदर भी 4 यूनिट है, 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 यूनिट इसके अंदर होगी। इसकी एंट्री भी वैसे ही है, आमने सामने है, इसमें भी आमने सामने है, और इसकी यहाँ से है, इसकी यहाँ से है। तो ये इस टाइप से डिजाइन है। आइए अब लेआउट को देखते हैं कि ये इसका लेआउट कैसा है। ये लेआउट आ गया हमारा 1850 स्क्वायर फीट का, 3 BHK 3 टॉयलेट प्लस स्टडी रूम। अगर हम इसमें देखते हैं, अपनी 3 लिफ्ट इधर होगी, पैसेंजर लिफ्ट होगी, उसके बाद आपके जो मेन एंट्री होगी वो यहाँ से एंट्री होगी हमारी डोर्स की। घुसते ही हमारा आ गया डाइनिंग एरिया, उसके बाद आपका ये लिविंग एरिया, उस लिविंग एरिए के साथ ही जैसे एंट्री होती है आपका पहला बेडरूम आ जाता है 11.6x11 का। इस डाइनिंग के साथ ही आपकी किचन आती है 8.4x8.4 की। इस किचन के साथ ही आपकी बैल्कनी आती है 4.3, और फिर इसके अंदर ये आपका स्टडी रूम हो गया आपका डाइनिंग एरिया के साथ, ये है 6x8.4 का। ये कॉमन एरिया का एरिया आ गया, कॉमन एरिया के साथ भी आपको एक बैल्कनी दी जाती है 11x5 की। उसके बाद ये 2 बेडरूम आते हैं, एक ये आता है मास्टर बेडरूम जिसका साइज है 11x13.6 का, और इसके साथ है अटैच वॉशरूम, ये ड्रेस एरिया हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे आता है एक और बेडरूम आपका 10x12 का, इन दोनों की ये कॉमन बैल्कनी है 4.6x9.7 की। तो इसमें बैल्कनी होगी 1, 2 और फिर एक ये 3 बैल्कनी आपको इसके अंदर दी जाती है। तो ये जो बैल्कनी है ये इन 2 के साथ होगी, ये लिविंग एरिया के साथ होगी, उसके बाद यहाँ पे किचन के साथ फिर बैल्कनी होगी। इस बेडरूम के साथ बैल्कनी नहीं है, अटैच वॉशरूम है, और स्टडी के साथ आपका कोई वॉशरूम नहीं है। इधर ये आपका इस बेडरूम के साथ भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, इधर कुछ हम अगर अंदर का कुछ सिंबल तैयार करें तो उसके अंदर हो सकता है। तो वैसे ये कॉमन वॉशरूम है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम एमिनिटीज के बारे में। तो इसमें ये सारी एमिनिटीज हैं, वीडियो को आप पॉज करके एक बार रीड कर लेना क्योंकि वीडियो वैसे ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बात करते हैं क्लब हाउस, अप्रोक्स 40,000 स्क्वायर फीट का रहेगा क्लब हाउस के अंदर। ग्राउंड फ्लोर पे यही एमिनिटीज रहेंगी और फर्स्ट फ्लोर पे यही रहेंगी, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर लेना। दोस्तों अब बात करते हैं हम प्राइस की, प्राइस के बाद हम समझेंगे सोसाइटी के टावर कि कहाँ कहाँ टावर है, कौन सा टावर कहाँ पे है, वो मैं आपको इससे आगे वाले नेक्स्ट स्टेप पे आपको बताऊँ। अभी जो यूनिट है वो है
टोयोटा सुपर स्क्वायर फीट का टाइप 3 BHK का टोटल जो आपकी कॉस्ट आएगी वो आएगी 1,03,00,000 की। इसमें भी कुछ चीजें बताऊंगा। अगला साइज है 1850 का 3 BHK और इसकी जो कॉस्ट आती है वो आती है 1,31,00,000 रुपए की। ठीक है जी, अब इसमें क्या है, इसमें से इन दोनों प्राइजों के अंदर से आपके 4,00,000 लेस हो जाएंगे क्योंकि अभी आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। EY एप्लीकेशन ये ले रहे हैं तो 4,00,000 रुपए आपको लेस करके, यानी ये वाला जो फ्लैट है ये पड़ जाएगा 99,00,000 का और ये वाला जो फ्लैट है ये पड़ जाएगा 1.27 CR का। तो अभी आप ये बेनिफिट ले सकते हैं EY एप्लीकेशन दे के। 1450 वाला साइज है, इसमें जाएगा आपका 5,00,000 का चेक अभी EY का और 1850 जाएगा 9,00,000 का चेक और ये बैंक होने लगे या आप एफडी भी कर सकते हो, 4,00,000 का तुरंत बेनिफिट ले सकते हो। इसके अंदर जो आपका रहेगा पेमेंट प्लान, इसको मैं आगे समझाऊंगा। अच्छे हम PLC चार्ट के कि PLC कैसे लगेगी आपकी। 5th to 10th फ्लोर तक 1,000 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको PLC चार्ज रहेंगे पर स्क्वायर फीट के हिसाब। 11 से लेके 15 फ्लोर तक रहेगा 75 रुपये पर स्क्वायर फीट से। 16 फ्लोर से लेके 18 फ्लोर तक 50 रुपये पर स्क्वायर फीट का। इससे ऊपर अगर हम 19 to 31 तक लेते हैं तो नो PLC, कोई PLC नहीं देनी है हमें फ्लोर वाइज के हिसाब से। यही थी फ्लोर की PLC। उसके बाद लोकेशन PLC क्या है, जैसे कि हम किसी की फेसिंग की लेते हैं, 1st floor to 20th floor ओपन फेसिंग आएगी टावर, टावर की जो यूनिट है वो आएगी टावर 2 में आएगा ए एंड बी यूनिट नंबर, टावर 3 में ए यूनिट और टावर 11 में ए एंड डी नंबर यूनिट। ये मैं आगे जब लेआउट पे आपको दिखाऊंगा ना तब आप इस चीज़ को समझोगे, अभी आपको समझ नहीं आएगी। तो आगे है 1st floor to 15th floor तक गार्डन फेसिंग ये यूनिट रहेंगी, गार्डन फेसिंग की टावर 2 रहेगा उसमें सी और डी यूनिट नंबर रहेंगी, टावर 3 में बी एंड सी यूनिट रहेगी, टावर 4 में ए बी एंड डी रहेगी, टावर 5 में रहेगी ए नंबर यूनिट। इसमें PLC आपको 150 रुपये पर स्क्वायर फीट है। ओपन फेसिंग में आपको रहेगी 50 रुपये पर स्क्वायर फीट की। और फिर ये है 1st to 12th floor पे पूल फेसिंग अगर यूनिट आती हैं वो आती हैं आपकी टावर 5 में डी, टावर 6 में ए एंड डी, टावर 7 में ए एंड बी और टावर 8 में बी। इसके ऊपर आपका 200 रुपये एक्स्ट्रा PLC चार्ज देना पड़ता है। अभी जो आपको फ्लैट मिलेगा जो ऑल इंक्लूसिव क्या रहेगा PSP के अंदर, 1 car parking, EDC IDC और क्लब मेंबरशिप आपकी इंक्लूडिंग रहेगी। उसके बाद पोजीशन जो चार्ज रहेंगे वो अलग देने पड़ेंगे जब पोजीशन मिलेगा। IFMS चार्ज एंड ECC चार्ज ये आपको देने पड़ेंगे बाद में जब कि कितने हैं वो देने पड़ेंगे। प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज विल बी अप्लीकेबल एक्स्ट्रा, ये आपके BSP में ऐड नहीं है। फ्लोर PLC 2nd floor to 15th floor विल बी अप्लीकेबल एक्स्ट्रा, ये BSP में ऐड नहीं है, ये भी एक्स्ट्रा है आपका। फिर उसके बाद आपके ये यूनिट टोटल प्राइस पेबल सेल, ये आप इसको है ना रीड कर लेना अच्छी तरीके से, ये वैसे कुछ नहीं है इसके अंदर। फिर उसके बाद स्टैंप ड्यूटी वगैरह है वो आपके एक्स्ट्रा चार्ज रहेंगे, जब रजिस्ट्री वगैरह आपकी होती है तो वो एक्स्ट्रा चार्जेज होंगे। तो आप इसको पर पढ़ लेना कि क्या क्या है अगर यूनिट है कौन सी फेसिंग की यूनिट आती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके लेआउट की और इसकी जो आपकी कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है वो कैसे कैसे जाएगा वो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा अच्छे तरीके से। ये है टाउनशिप का पूरे प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान कि कहाँ कहाँ टावर आएंगे। एक 24 मीटर इधर से कनेक्टेड है और एक 24 मीटर इधर से, तो 2 साइड ओपन ये टाउनशिप है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि हम टावर को देख पाए। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं टावर वाइज। तो यहाँ पे जो टावर है टावर 2 है, अभी ये ओपन है, टावर 4 ओपन है। इन दोनों टावर के अंदर हमें मिलता है 1850 के साइज, इन दो टावर में टावर 2 और टावर 4 अभी यही ओपन है। तो इनमें जो यूनिट है टावर ए बी सी और डी, जो मैं बता रहा था ना कि कौन सी गार्डन फेसिंग आएगी और कौन सी नहीं, तो टावर 4 में टावर की यूनिट ए बी सी और डी, टावर 2 और 4 अभी ओपन है, टावर 3 अभी ओपन नहीं हुआ है, फिर टावर 5 है, ये टावर 6 है, इधर ये स्विमिंग पूल हो गई। इसको मैं थोड़ा और जूम करता हूँ, आपको चीज़ें और क्लियरिटी हो जाएंगी। ये सारा आपका गार्डन पैच आता है इधर, ये पूरा ये स्पोर्ट्स बैडमिंटन एरिया हो गया, ये सारा ग्रीनरी एरिया आता है।
और इधर आपका स्विमिंग पूल एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये सारा आपका क्लब लॉन हो गया। इधर आपका क्लब एरिया है, ये सारा ये क्लब एरिया आता है आपका। उसके बाद टावर सेवन है, टावर सेवन की ए बी सी डी यूनिट इस तरीके से आएंगी। फिर टावर एट है, इसमें भी ए बी सी डी वो आप सेलेक्ट कर लेना कि कौन सी किस टाइप की फेसिंग की आपको चीज़ें लेनी है। टावर नाइन हो गया, इसमें भी ए बी सी डी आपके इधर आएंगी। और अभी जो 1450 वाले के लिए ओपन है वो ये दो टावर ओपन है, टावर 10 और टावर 11। इसमें जो साइज आते हैं 1450, इसमें ए वाई आपको इस तरीके से देना है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट है। एक टावर और आएगा इसके अंदर, एक आइकोनिक टावर आएगा बड़ा, उसके रेट अलग होंगे, वो बाद में ओपन होगा। तो अभी फिलहाल इन्होंने दो टावर लॉन्च किए हैं, टावर 2 एंड टावर 4 एंड टावर आपका 10 और 11, ठीक है। अब आपको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा इसके पेमेंट प्लान। दोस्तों अब बात करते हैं इसके पेमेंट प्लान के बारे में। अब मान लीजिए आपने ईवाई दिया, ईवाई भरा, अगर छोटे वाला 5 लाख रुपए, बड़े वाला के लिए 9 लाख रुपए का चेक जाएगा और ये क्रेडिट होगा। रेरा जब आ जाएगा उसके 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज ऑफ रेरा, तो 9% और कंप्लीट करना है और आपको लेस करना है ईवाई का अमाउंट। फिर विद इन 16 डेज के बाद 6%, फिर 10%, फिर 10%, फिर 5th फ्लोर जब हो जाए आपका 5%, फिर आपका 10वां फ्लोर पे 5%, फिर 20वें फ्लोर पे 5%, फिर 25वें फ्लोर पे 5%, और फिर 2 फ्लोर पे आपने देना है 5% का। तो जब इसके इलेक्ट्रॉनिक और प्लम्बिंग का काम शुरू हो जाए 7.5%, फिर इसका एक्सटर्नल प्लास्टर का जब वर्क शुरू होगा ब्लॉक के बाद आपको 7.5% देना है, फिर फ्लोरिंग का जब काम होगा 10% देना है, उसी अप्लाई होगा तब 7.5% देना है, और ऑन द पोजिशन 7.5%। मतलब इतना ईजिली पेमेंट प्लान है ना ये, आप आराम से चीज़ों को सिलेक्ट कर पाओगे। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, आप अगर आप इसके अंदर ट्राई कर रहे हैं तो ज़रूर लो, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसके अंदर आ रहा है, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हो। ये है इनका EUI एप्लीकेशन। अगर आप EUI एप्लीकेशन भरते हैं तो उसके अंदर आपने यहाँ पे डेट डालनी पड़ेगी, यहाँ पे अपना नाम हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन, आधार, एड्रेस, अगर आप सेकंड को एप्लीकेंट है तो उसकी डिटेल आएंगी ऐसे, और उसका फ़ोटो, अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट का फ़ोटो, सेकंड है तो सेकंड का फ़ोटो। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है जी आपने कौन सी ये वाली यूनिट लेनी है या ये लेनी है, ठीक है जी। अभी पेमेंट प्लान ऑफ CLP फॉर्मेट में 99 लाख का 1450 पड़ेगा, और 1/27 का पड़ेगा आपको 1800, क्योंकि यहाँ पे 4 लाख का आपको बेनिफिट दिया जा रहा है। यूनिट क्या है, गार्डन फेसिंग लेनी है आपने, पूल फेसिंग लेनी है, ओपन फेसिंग लेनी है, PLC, इन पे PLC है, ये PLC है। फिर नो PLC यूनिट लेनी है तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे चेक नंबर डालना है, बैंक नेम डालना है, यहाँ पे डेट डालनी है, और इसके नाम से ये चेक बनेगा, TGS भी कर सकते, ठीक है जी। तो ये है प्रोजेक्ट, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, आप ट्राई करो, क्योंकि इस रेट के अंदर कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। EY एप्लीकेशन भरे जा रहे हैं, आप इसमें ट्राई करो, और अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे, तो हम हो सकते हैं आपको बेस्ट से बेस्ट डील दें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए प्रोजेक्ट।